रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रॉपरली जो डॉक्टर हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के डॉक्टर हैं, जिसमें हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट आते हैं, अगेन वही बात है, अवेयरनेस की बात है कि लोगों को पता नहीं चलता कि रूमेटोलॉजिस्ट कौन है. हम लोग वो डॉक्टर हैं जो सर्जरी के बगैर हड्डियों का और जोड़ों का इलाज करते हैं. तो मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, आप एक अच्छी एडवाइस लें, प्रॉपर प्रोफेशनल एडवाइस लें, जिस तरह से पॉसिबल है मेडिसिन और फिजियोथेरेपी और बाकी जितने भी तरीके हमारे पास हैं, हम इलाज का करते हैं. अब नई जो एडवांसमेंट है कि कुछ इंजेक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि हम जॉइंट्स में लगा देते हैं और वो पेन के लिए भी हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नी ज्वाइंट की बात करूँ तो इसमें अब नए इंजेक्शन आए हैं जो आपका ये कार्टिलेज बनाते हैं, जिसको जेल इंजेक्शन कहते हैं. नई उससे भी लेटेस्ट बात करें तो प्लाज्मा जो PRP थेरेपी आई है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसके इंजेक्शन लग रहे हैं. बाहर के मुल्कों में बहुत से एथलीट्स लगवा रहे हैं, फुटबॉल प्लेयर्स वगैरह होते हैं. तो ये नई चीज़ें मेडिकल साइंस में रोज़ हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, बशर्ते कि आप एक सही मुस्तनद बंदे के पास, डॉक्टर के पास जाएं और अपना जो है इसका प्रॉपर इलाज करवाएं. अच्छा, ये डॉक्टर के पास जाने की एक प्रॉब्लम आती है कि लोग डिमांड करते हैं कि ऑन कॉल ही हमें बता दिया जाए या हम सोशल मीडिया के थ्रू ही आपसे पूछ लें, तो ऐसे में क्या नुकसान के सबब भी हो सकती है ये बात, क्योंकि आप प्रॉपर कंसल्टेशन तो नहीं ले सकते ना? नहीं, जब तक हम एक पेशेंट को फिजिकली आप देखें नहीं तो उसको हम कोई सजेशन दे भी नहीं सकते हैं, गलत हो जाता है इसमें. और जिस तरह की हमारी ट्रेनिंग इंग्लैंड में हुई है और वहाँ पे हम सीख के आए हैं, इस चीज़ का बिल्कुल रिवाज नहीं है. वहाँ पे हेल्पलाइंस ज़रूर होती हैं. फॉर एग्जांपल, आप अगर आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो आपके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन होगी जी, कि प्रॉब्लम है तो आप उस पर कॉल कर लें. वहाँ पे कोई ट्रेन नर्स या कोई ट्रेन बंदा जो है वो बैठा होगा, आपके सिम्टम्स सुनेगा और फिर आपको रेफर करेगा कि जी आपने GP के पास जाना है या आपने स्पेशलिस्ट के पास जाना है, और अगर बहुत इमरजेंसी है तो आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाएं. तो पेशेंट को प्रॉपर गाइड करना बड़ा ज़रूरी है. फ़ोन पे या सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी मेडिसिन देने के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ. देखिए, हर मेडिसिन के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. अल्लाह ना करे कुछ ऐसी मेडिसिन मैं आपको बता दूँगा, फॉर एग्जांपल फ़ोन पे, जिससे आपको बीमारी वर्स हो जाती है, कुछ आपको साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, अल्लाह ना करे कोई और नुकसान हो जाता है, तो उसका फिर कोई हल नहीं होगा, उसकी फिर मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ. बिल्कुल, आई थिंक ये प्रैक्टिस गलत है. फ़ोन पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर देख के, नेट पे सर्च करके कोई भी दवाई किसी भी फॉर्म में आप प्लीज मत इस्तेमाल करें. सही, इसके हवाले से मजीद भी डिस्कशन करते हैं, हमें एक ब्रेक की जाने पड़ना है. ब्रेक से वापस आते हैं, डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन किस कदर नुकसानदेह हो सकती है. जी, वेलकम बैक. और ब्रेक पे जाने से कबल बात हुई थी डॉक्टर सादिया से, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन किस कदर ख़तरनाक हो सकता है. डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अक्सर औकात ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो TV पे ऐड दे के कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लेना, क्या ये भी नुकसानदेह हो सकता है? मल्टी वाइटामिन्स का इनटेक कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, हमारा वही बात आ जाती है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मल्टीवाइटामिन है, पेन किलर है या कोई और दवाई है, आपको खुद से नहीं लेनी चाहिए. देखिए, हर दवाई के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. आपकी बॉडी से वो प्रोसेस होके वो एक्सक्रीट होती है, इसमें लिवर, किडनीज, आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं. तो ये ना हो कि आप कोई मेडिसिन का फ़ायदा लेना चाह रहे हैं और उल्टा आपको उसका नुकसान हो शुरू हो गया है. तो मेरी सजेशन यही होगी कि आप जो भी मेडिसिन लें, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें कि वो क्या वो आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, क्योंकि हर पेशेंट का मर्ज, उसकी बीमारी, उसके लिए दवाइयों की जो अमाउंट होती है, जो उसकी डोज होती है, वो भी फ़र्क होती है. तो जब तक आप एक स्पेशलिस्ट का मशवरा ना ले लें तो प्लीज़ खुद से कोई दवाई. नॉर्मली ये कहा जा रहा है, अगर आपको बॉडी पेन हो रहा है या लेट सपोज आपको जोड़ों और हड्डियों का ही दर्द हो रहा है तो कैल्शियम की कमी की वजह से कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, ये फायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, कुछ अरसे के लिए तो हम ट्राई कर सकते हैं कि आप सप्लीमेंट्स ले लें, लेकिन इससे भी पहले मैं पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप अपनी थोड़ी डाइट से मॉडिफाई करें. देखिए, जो चीज़ आप खुराक के जरिए नेचुरली इम्प्रूव कर सकते हैं, बजाय उसको कि अननेचुरली और पैसे खर्च करके एक्स्ट्रा वो दवाइयाँ आप मत लें. लेकिन कुछ केसेस में हमें ज़रूरत पड़ती भी है कि हमारी डाइट से, जिस तरह आजकल हमारे यहाँ खालिस मिल्क या खालिस खुराक वो चीज़ें नहीं हो रही होती, तो हमें सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं. ये इंपॉर्टेंट है. बात ये थी कि पेशेंट को अपना ज़रा मॉनिटर करना चाहिए कि चलिए हमने सप्लीमेंट भी ले लिया, पेन किलर भी ले लिया, एक दो महीने गुजर गए, हमारी पेन नहीं जा रही है. उसमें फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मशवरा करें कि ये पेन क्यों नहीं जा रही है. मुमकिन है उसका कोई अंडरलाइन कोई और रीज़न हो, कुछ और कॉज हो उसका.
बिल्कुल, और विटामिन डी के हवाले से अगर बात की जाए तो इसकी कमी की वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं? बस हमारा ये मेरा बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट एक टॉपिक है, विटामिन डी की कमी। मेरा अपना ख्याल था कि इंग्लैंड में चूंकि वहाँ पे बिल्कुल सनशाइन नहीं होती, हर वक्त बादल बारिश होते हैं, तो वहाँ पे विटामिन डी की कमी हम देखते हैं। पाकिस्तान में तो हमारे माशाल्लाह से खूबसूरत पाकिस्तान है, धूप है, सूरज निकलता है, यहाँ पर विटामिन डी हमारे पास नॉर्मल आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने पेशेंट्स देख रही हैं उसमें विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अगेन वही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी डाइट के ऊपर हम ख्याल नहीं कर रहे हैं, धूप में जाने से हम डरते हैं कि हम काले हो जाएंगे, टैन हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फिर कवर अगर हिजाब वगैरह कर रहे हैं तो ये चीज़ें हैं कि आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसीज हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से मुख्तलिफ सिम्टम्स आते हैं। और ज़रूरी नहीं कि उसमें हड्डियों की पेन भी हो, उसमें आपका मूड इरिटेबल हो जाएगा, आपके मसल्स में पेन, थकावट का शिकार। कुछ लोग तो ये आके कहते हैं कि हमारे जोड़ अकड़ना शुरू हो जाते हैं, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है, सुबह के टाइम जब उठ सुबह उठा नहीं जाता। एक्जैक्टली मैंने ये बात करी थी। तो अच्छा, अब ये होता है कि लोकल किसी डॉक्टर के पास जाएगी ना तो वो उसको किसी और डायरेक्शन में ले जाएगा, अच्छा आपके जोड़ खराब हो गए हैं, आपको गंठिया हो गया, आपको कुछ और हो गया। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं पेशेंट को थोड़ा इन्वेस्टिगेट करके, टेस्ट करवा के, विटामिन डी की रिप्लेसमेंट करके फिर आगे अगले स्टेप पे जाती हूँ। सही। और इस तरह अगर हम ये देखें कि अगर आप अनहेल्दी हैं तो डेफिनेटली माशरती तरक्की तो दूर, आप अपने काम ही ठीक तरीके से नहीं कर सकते, तो माशरती तरक्की में किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं ये बात पर हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारी जो बीमारियाँ हड्डियों और जोड़ों की जो रूमाटोलॉजी रिलेटेड हैं वो ऑटो इम्यून बीमारियाँ हैं, आपकी बॉडी के अपने अंदर से आ रही हैं जिसमें एंटीबॉडी बन रही होती हैं। इसका बर्डन जो है सोसाइटी पे इस तरह से बनना शुरू हो जाता है कि ये यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है, यंग मेल एंड फीमेल्स को अफेक्ट कर रही है। और अगर वो वर्किंग हैं, जॉब करते हैं, घर को लुक आफ्टर करते हैं, तो फिर वो चीज़ें करने से, अपनी एक्टिविटीज करने से वो थोड़ा महरूम हो जाएंगे, थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर ये पेशेंट जो होता है वो खुद भी, एक तो जाहिर है कि डिप्रेशन और सेल्फ इस्टीम उनकी कम होना शुरू हो जाती है। सेकेंडली फिर ये होता है कि घर वालों के लिए एक प्रॉब्लम, बर्डन। अब अल्लाह ना करे कोई पेशेंट ऐसा है जिसका आर्थराइटिस बहुत अर्सा डायग्नोज नहीं हुआ, उसके जॉइंट्स ख़राब हो गए हैं और वो पेशेंट बिल्कुल व्हील चेयर के ऊपर है और वो उससे मूवमेंट वो नहीं कर सकता, खुद से अपना खाना नहीं खा सकता, वॉशरूम नहीं जा सकता, अपने काम नहीं कर सकता, तो वो एक तरह से अपनी फैमिली पर भी डिपेंडेंट हो गया, फाइनेंशियली भी डिपेंडेंट हो गया, हमारी सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए भी वो एक तरह से डिपेंडेंट हो गया। अगर यही सारी चीज़ हम प्रिवेंट कर लें, इसी पेशेंट को हम अवेयरनेस दे दें कि आपके जोड़ ख़राब होने जा रहे हैं, आप इसको स्पेशलिस्ट से दिखाएं और इसका इलाज कराएं, और यही चीज़ अगर हम कुछ साल पहले उसका इलाज कर दें और पेशेंट अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता रहे तो ना तो वो सोसाइटी के ऊपर बर्डन होगा, ना ही अपनी फैमिली के लिए कुछ बर्डन वो होगा, एक नॉर्मल हेल्दी ज़िंदगी। पेन में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ उसे ज़रूर टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। साथ ही साथ कुछ बीमारियों के हवाले से जिनके हवाले से अवेयरनेस आप चाहती हैं कि लोगों में हो और नहीं है, उनका भी जिक्र कर दीजिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे मैंने कहा कि रूमेटोलॉजी की फील्ड नस्बतन पाकिस्तान में नई फील्ड है, इसमें जो स्पेशलिस्ट लोग हैं वो भी कम है। टोटल पूरी पाकिस्तान की आवाम के लिए 60 रूमेटोलॉजिस्ट हैं जो कि बहुत कम है, हमें इससे कई गुना ज़्यादा रूमेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो मैं कुछ बीमारियों के बारे में ब्रीफली थोड़ा सा बताती हूँ कि अगर पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है तो वो रूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। पहली चीज़ तो हम जिसको कह रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो गांठिया है जिसमें जोड़ अकड़ना शुरू हो जाते हैं, पेन होना शुरू हो जाती है, ये अगर 6 मंथ्स या 1 ईयर से प्रॉब्लम आपकी चलती जा रही है तो आप ज़रूर इसको एक दफ़ा चेक करवा लें। सेकेंडली है जी लूपस, SLE के नाम से, लूपस के नाम से आता है, ये आपकी बॉडी में किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर देता है और उसमें इन्फ्लेमेशन या सोजिस कॉज कर देता है। इसको भी अगर बर वक्त इसको कैच कर लिया जाए तो हम बचा सकते हैं किसी भी ऑर्गन डैमेज से, किडनी फेलियर से, किसी और प्रॉब्लम से हम पेशेंट्स को बचा सकते हैं। अगेन सोरियाटिक आर्थराइटिस पाकिस्तान में देख रही हूँ मैं काफ़ी, ये बेसिकली स्किन की बीमारी होती है। लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं होता कि अच्छा स्किन की बीमारी है तो जॉइंट्स कैसे खराब होंगे, ये नहीं हो सकता। मैं पेशेंट्स को अवेयरनेस बताती हूँ कि ये पॉसिबल है, ये नोन बीमारी है कि जो एंटीबॉडीज़ आपकी स्किन को अफेक्ट कर रही हैं, स्किन में रैशेज बन रही हैं, वही एंटीबॉडिक्स आपकी जॉइंट्स को भी अफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। और अगेन जल्दी अगर हम इसको कैच करेंगे, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो हम आपको किसी डिसेबिलिटी से बचा सकते हैं। एक और बीमारी, इसका मैं नाम लेना चाह रही हूँ, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, जिसमें आपकी कमर की जो हड्डी है वो एक तरह से जुड़ जाती है और बिल्कुल स्टिफ हो जाती है। इसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं बैम्बू स्पाइन, के बिल्कुल बैम्बू की तरह स्ट्रेट हड्डी होगी। आपने अक्सर देखा भी होगा पेशेंट्स बिल्कुल स्ट्रेट उनकी कमर हो जाती है, मूवमेंट वगैरह करना मुश्किल हो जाती है। अगेन ये बीमारी ऐसी है जिसको हम अर्ली स्टेज पे पकड़ लें तो स्पाइन के डैमेज को हम बचा सकते हैं। बॉटम लाइन मेरा यही ही बताने का मकसद है कि बीमारियां ऐसी हैं जिनको हम अर्ली डायग्नोस करें, जल्दी इसकी ट्रीटमेंट शुरू करें, जो स्पेशलिस्ट ट्रेंड लोग हैं इस बीमारियों को डील करने के लिए हम उनके पास जाएं, मेडिसिंस का रेगुलर इस्तेमाल करें, डॉक्टर से रेगुलर फॉलो अप करें,
अपना एक रिकॉर्ड रखें, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि रिकॉर्ड डिजिटलाइज कर दें, रिकॉर्ड रखें, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब।